हेलो गाइज, आपको बताऊंगा इस वीडियो में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं घर बैठे। गाइज आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं। गाइज अगर आपको मोबाइल में आधार कार्ड से गाइज आपको मोबाइल अगर लिंक नहीं है तो भी गाइज आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं घर बैठे। कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यानी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हमेशा संजय ऑफिशियल पे इस तरह वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। गूगल में क्रोम में आपको बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करेंगे जाति प्रमाण पत्र। तो इसके लिए क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सर्विस ऑनलाइन बिहार, यहाँ मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, सर्विस ऑनलाइन बिहार .gov.in। इसको ओपन करेंगे तो वह जैसे का इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा, यहाँ पर देखें लोक सेवा का अधिकार एवं अन्य सेवाएं सर्विस प्लस, जो आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी में खुल गया है, तो क्या करेंगे पहले इसको इंग्लिश करेंगे। चलिए मैं इंग्लिश करता हूँ। तो आप इसे इंग्लिश कर लेंगे, जो भी आपको जो लैंग्वेज आपको अच्छा लग रहा है, हिंदी में देखने में अच्छा लग रहा है, आपको इंग्लिश में करना अच्छा लग रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश करूँगा। तो आप भी यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का लोगो मिलेगा। चलिए मैं इसको मैं इंग्लिश करता हूँ इस साइट को। तो वो इंग्लिश करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसमें क्या करना, पहले इसमें आईडी बनाना पड़ेगा आपको फर्स्ट बार अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। अगर आईडी नहीं बनाएंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भाई आईडी बना लेंगे तो जो भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका आईडी में पूरा शो करेगा, जिसके जितना भी आप अप्लाई करेंगे किसी को भी जाति आवासीय आए तो पूरा आपका आईडी में शो करेगा। इसलिए गई अब यहाँ पे आईडी बना लेंगे पहले। चलिए मैं यहाँ पर जाऊँगा रजिस्टर योर सेल्फ पे, पहले आपको टैप करेंगे। चलिए मैं फिर टाइप करता हूँ रजिस्टर योर सेल्फ पे। तो जैसे ही इस पर टाइप करेंगे रजिस्टर योर सेल्फ पे तो क्या होगा, यहाँ पर अपना जो भी आपका फुल नेम है फुल नेम फिलअप करेंगे, जो आपका ईमेल आई डी है सही से फिलअप करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, पासवर्ड आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल उसके बाद स्मॉल जो आपका, और कुछ अंक डाल देंगे और एड लगा देंगे। इससे आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्टेट सेलेक्ट करके कैप्चर फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल पर और OTP और मोबाइल पर दोनों OTP जाएगा और पासपोर्ट सक्सेसफुली आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा। तो भाई मेरे पास आईडी बना हुआ है, मैं यहाँ पर जाऊँगा लॉगिन पे और प्रोसीड टू लॉगिन प्रेस करूँगा। और यही लॉगिन प्रेस करने के बाद आईडी और पासपोर्ट फिलअप करके गेट OTP पर फिलअप करेंगे, यानी नहीं तो यहाँ पे कैप्चर फिलअप करके लॉगिन करेंगे। अगर यहाँ पर आईडी याद नहीं है तो यहाँ फोटो पासवर्ड भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी फिलअप करता हूँ और पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे कैप्चर पे यानी लॉगिन कर मैं टैप करता हूँ। तो गाइस लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे आईडी पासवर्ड। चलिए गए मैं अपना लॉगिन करता हूँ आईडी पासवर्ड। और गई लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख रहे वेलकम टू सर्विस प्लस आ गया। आप गाइस आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जाएंगे अप्लाई फॉर सर्विस पे, इस पर टाइप जैसे टाइप करेंगे यहाँ मिलेगा व्यू ऑल सर्विस अवेलेबल। जैसे गाइस इस पर टाइप करेंगे यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। गाइस आपको बताते हैं आप किसके थ्रू से बनाना चाहते हैं, CEO लेवल या DM लेवल से। तो मैं बनाऊंगा CEO लेवल से कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर टाइप करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट करके यहाँ, ठीक है। इसमें टाइप करता हूँ और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं आपको फॉर्म 1 खुल गया है जाति प्रमाण पत्र के लिए। पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे श्रीमती क्या आप क्या है, यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम है, ठीक है, जिसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे जो भी आपका नाम है वो आपका नाम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आवेदक का हिंदी में आपको नाम ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो गाइस आप क्या होगा ऑटोमेटिक यहाँ का नाम आपका हिंदी हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर हिंदी नहीं हो रहा तो गाइस आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। आवेदक का नाम यानी हिंदी में और नेम ऑफ एप्लीकेशन यानी आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ, आपको यहाँ पर फिलअप कर देंगे जो भी आपका नाम है आपका आधार कार्ड में वो आपका पूरा नाम फिलअप करेंगे। जैसे कि आप सेम आपका नाम फिलअप करेंगे क्योंकि गलत नहीं फिलअप करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं और जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम रहेगा वही नाम फिलअप करेंगे, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पर देखा मैं जब इस पर से बता दूँ यहाँ पर मेरा हिंदी नाम हो जा रहा है, ठीक है, कुछ गलती हो जा रही है इसको आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ फादर, नेम फादर का नाम इंग्लिश में डालेंगे, यहाँ पे इंग्लिश जैसे आप नाम फिलअप करेंगे और स्पेस करेंगे तो कहीं आपको देख रहे हैं आपको हिंदी आपको ऑटोमेटिक आपको नाम हो जाएगा। अगर हिंदी में नहीं हो रहा गलती आ रहा है तो यहाँ पे सुधार कर सकते हैं अपने से, ठीक है। चलिए मेरा पूरा सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आता है नेम ऑफ मदर,
तो यहाँ मदर का नाम जो भी आपका है यहाँ फिलअप करेंगे, और मदर का नाम यहाँ पर गलती भी हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे स्पेस दबाने के बाद यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड है, जब हस्बैंड नाम नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है। यहाँ पता है आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ये भी ऑप्शनल है लेकिन फिलअप कर देंगे, इससे कोई आपको बेहतरीन आपको रहेगा, कोई आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ईमेल पर और मोबाइल पर मिल सकता है। तो वो यहाँ पे क्या करें, आवेदक का मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और आवेदक का ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे, ईमेल आईडी नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए कि मैं यहाँ फिलअप करता हूँ आवेदक का मोबाइल नंबर, और के मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कहीं यहाँ पर आता है ईमेल आईडी, तो वो ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। चलिए मैं ईमेल आईडी को भी फिलअप करता हूँ, आपको भी इस तरह से पूरा सही से फिलअप करेंगे, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप कैसे बनाएंगे ठीक है। घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होगा आपको। यहाँ पर आता है स्टेट, आप कौन सा स्टेट से हैं, और यहाँ पर आता है ज़िला, यहाँ पे कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर लिस्ट ऑफ शो हो जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा अनुमंडल नेम यानी सब डिवीज़न। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा अनुमंडल, आपको भी इस तरह से पूरा फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे ब्लॉक आपका कौन सा है, ब्लॉक फिलअप करने के बाद यहाँ पे आता है आप कौन सा किसके थ्रू से बनाना चाहते हैं यहाँ पे ठीक है। ग्राम पंचायत यानी सबसे आसान होता है ग्राम पंचायत, उसके थ्रू आप बना सकते हैं ठीक है। चलिए मैं इसी में ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया हूँ, आपको जिसके बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो वार्ड नंबर, वार्ड नंबर फिलअप कर देंगे। यहाँ पर आता है ग्राम पंचायत का नाम ठीक है, आपको कौन सा पंचायत का नाम है। यहाँ तक ग्राम जो भी आपका गांव है, जिस किस गांव से आप, जो भी आपका एड्रेस है, गांव का नाम आपका क्या है, गांव का नाम फिलअप करेंगे। यहाँ पर आता है डाकघर यानी आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। यहाँ पर आता है थाना यहाँ पर ठीक है, आपको जो भी आपका थाना पुलिस स्टेशन है वो आपका कहाँ पे है, ये आपको फिलअप करेंगे। और पुलिस स्टेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पर आता है पिन कोड, जो आपका एरिया का पिन कोड हो पिन कोड को फिलअप करेंगे। चलिए मैं पूरा स्टेप बाई स्टेप फिलअप करता हूँ। और यहाँ पर आता है फ़ोटो, जो आपका फ़ोटो लगाना पड़ेगा मिनिमम का, जो आपको यानी 50 KB से कम होना चाहिए फोटो को यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आधार कार्ड, आधार कार्ड का छोड़ देंगे। यहाँ पर आता है पेशा, पेशा को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आता है जाति, आप किस जाति से हैं, जो भी जाति यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जाति का नाम, आपका कौन सा जाति है उस जाति का यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे, जो आप जाति है ठीक है, आपको जो भी आप जाति आते हैं उस जाति का यहाँ पर नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपको कास्ट सीरियल आपको नेम आ जाएगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो आप जाती है वो आप जाती सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूरा आप सही से फिलअप करेंगे, और अगर जाति फिलअप करने के बाद यहाँ पहले आपको पूरा आपको देखेंगे जाति मिल रहा है कि नहीं मिला, क्योंकि जब जो भी आप जाति सेलेक्ट करेंगे BC2 BC1 उसके अनुसार यहाँ पूरा आपको जाति दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे उपजाति, यहाँ पर क्रम अनुक्रम आ गया, यहाँ पर तो उपजाति, यहाँ भी इसको आप ऑप्शनल इसे छोड़ सकते हैं। उसको यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको छोड़ देते हैं, फिलअप पूरा रहता है। यहाँ पर आता है कैप्चा, कैप्चा फिलअप करके इसको सेव कर सकते हैं यानी आपको, नहीं तो इसको ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैप्चा में फिलअप करता हूँ, और कैप्चा फिलअप करने का पहले इसको देख लेंगे सही है गलत है, उसके बाद पहले इसको पहले मिला लेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट पहले फॉर्म फिलअप किए हैं फॉर्म 1 पूरा सही है गलत है पहले इसको चेक कर लेंगे आपको, और चेक करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पूरा मैं इसको मैं देख लेता हूँ मेरा सारा गलत है कि नहीं, उसके बाद आप क्या करेंगे प्रोसीड पर टैप कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर टैप करेंगे प्रोसीड पे, तो आप क्या होगा आपको ओके पर टैप करने के, और ये ओके पर टैप करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको लोडिंग लेगा। तो अगर यहाँ पर पूरा आप देख लेंगे, और ये देखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे इसको ट्राप भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड पर टैप करेंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ प्रोसीड पर, तो यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोसीड पर, तो गए आपको नेक्स्ट स्टेप आपको ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको पूरा जो भी फॉर्म फिलअप किया है इसको देख सकते हैं आप गलत सही ठीक है। अब बोला आपको नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने के लिए आपको इसको पहले मिला लेंगे पूरा आपको सही सही, और सही सही मिलाने के बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आपको अटैच, यहाँ पर देख रहे हैं आपको इस पर टाइप करेंगे ठीक है, इसको आपको एडिट नहीं करेंगे इसलिए कि कुछ गलत है एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका यहाँ पर जाएंगे अटैच पर। जैसे जाएंगे यहाँ पर जाएंगे अटैच पे, तो जब क्या होगा आपको डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा। जब देख रहे डॉक्यूमेंट है आपको सेलेक्ट फाइल, इससे कर सकते हैं नहीं तो स्कैन भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर डिजी लॉकर से फेच भी कर सकते हैं।
चलिए मैं डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं लेता हूँ आधार कार्ड, यहाँ पे क्या करेंगे, चूज फाइल पे जाएंगे, जहाँ पे भी रखे आधार कार्ड को, यहाँ पे JPG PNG जो भी आपको फाइल है, आपको मिनिमम गाइज आपको 200 KB से अंदर होना चाहिए, यानी 200 KB से कम होना चाहिए। और उसको क्या करेंगे, सेव अटैचमेंट, यहाँ पे यहाँ पर टैप कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट आपको सक्सेसफुल अपलोड होगा। तो गाइस इसको डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से गाइस आपको अपलोड कर सकते हैं। और गाइस अपलोड करने के बाद कुछ यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पर देखा धीरे धीरे गाइस आपको अपलोड होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ पे शो करेगा आप कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। आप देख सकते हैं प्रीव्यू आपको पूरा आपको टोटल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं टोटल। और गाइस उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सबमिट पर, यहाँ पर सबमिट करेंगे, जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे क्या होगा, पूरा आपको डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट हो गया आपको निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बिहार लोक सेवा का, यहाँ पूरा जो भी आपका डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं, किस डेट का अप्लाई किए हैं, आपको कब मिलने वाला है यहाँ पर लिख सकते हैं गाइस, इसे आप प्रिंट कर लेंगे। चलिएगा मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ गाइस, अभी यहाँ पर देखिए प्रीव्यू मिल जाएगा जो आपका नेक्स्ट फॉर्म होता है, जिसे प्रिंट कर लेंगे। और गाइस प्रिंट करने के बाद इसको सेव कर लेंगे, तो गाइस आप इसे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद जहाँ पर लोकेशन चलता है वहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब ये सेव करने के बाद जिस डेट का बुलाया गया, ठीक है, जिस डेट का डाउनलोड का डेट दिया गया है, उस डेट का आप ब्लॉक से भी अपने ले सकते हैं, जहाँ भी आप ब्लॉक है वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो भाई ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, भाई यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चलिए मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पर जो आपके देख रहे हैं अप्लीकेशन संख्या यानी आवेदन संख्या, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे व्यू स्टेटस अप्लीकेशन पे, ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद, ठीक है। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाएंगे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे, तो गाइस क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे आपको यहाँ पे किस डेट को अप्लाई किए और कौन सा डेट को आपको मिलने वाला है फॉर्म, यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पर ट्रैक व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर स्टेटस, ठीक है, जो भी अरे यहाँ पर देख रहे हैं आपको किस डेट को अप्लाई किए और कौन सा डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपको रेफरेंस नंबर जो बोले आप आवेदन संख्या, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और गेट डाटा पर टाइप करेंगे, तो पूरा वो डाटा मिल जाएगा आपको, बनाए नहीं बना पूरा इसमें दिखा देगा, ठीक है, इससे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।